हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि आपको पता है, हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है अक्टूबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक, और इस सीरीज में सारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर किए जा रहे हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको उन सभी वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर वो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। करंट अफेयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। ये नोवाक जोकोविच का अपने करियर का 34वां मास्टर खिताब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 27वें एजुथचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया पी सचिदानंद को। ठीक है, क्यों चुना गया? क्योंकि मलयालम भाषा के अंदर इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कोलकाता भाई किस कौन सी नदी के किनारे है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और याद कर लो, जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। अब आपका छोटा सा होमवर्क है, कोलकाता के सीएम बता दीजिए, सॉरी पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 199 नंबर। किस देश ने नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसे अर्ली करियर रिसर्च ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया नीरज शर्मा को। ठीक है, ये दिया गया है भाई नीरज शर्मा को, और ये अवार्ड दे कौन रही है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। क्यों दे रही है इनको? क्योंकि इन्होंने सोडियम आयन बैटरी डेवलप की है जो पर्यावरण के लिए बहुत कम हानिकारक होगी। ठीक है, यानी पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका। दूसरे नंबर पे है जर्मनी और हमारे भारत का इसमें रैंक है 10वां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया सुदर्शन पटनायक को। गोल्डन सैंड अवार्ड का मतलब ये है कि जो सुदर्शन पटनायक हैं, ये मिट्टी यानी बालू से आकृतियां बनाते हैं। ठीक है, ये बालू की आकृतियां बनाते हैं और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, 203 नंबर क्वेश्चन। सार्लोरलक्स ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है भाई ये? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। भारत ने ड्रैगन बोट विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो भारत ने जीता इसके अंदर कांस्य पदक। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ है चाइना के अंदर, चीन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है हर साल 5 नवंबर को। हर साल 5 नवंबर को ये मनाया जाता है, और ये शुरू हुआ था 5 नवंबर 2018 से। मनाया क्यों जाता है? क्योंकि सुनामी से जो खतरे होते हैं, उनसे जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, और ये शुरू किसने किया? ये किया भाई जापान ने, क्योंकि जापान में हर साल लगभग सुनामी आती ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2019 में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा भाई राफेल नडाल। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, और राफेल नडाल ने ये 8वीं बार टॉप रैंक प्राप्त किया है एटीपी रैंकिंग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फार फील्ड नामक उपन्यास ने जेसीबी पुरस्कार जीता है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भाई माधुरी विजय। द फार फील्ड ये एक पुरस्कार देते हैं जेसीबी। ठीक है, अब द फार फील्ड क्या है? एक उपन्यास यानी एक नोवेल है। अब जेसीबी पुरस्कार क्या चीज है? तो हिंदी लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जेसीबी पुरस्कार। ठीक है, और इसके अंदर 25 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन। भारत और रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता किसने की? तो इसकी सह अध्यक्षता की
हमारे वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ भाई धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पे है? हिमाचल। हिमाचल की राजधानी, ये आपका छोटा सा होमवर्क है, हिमाचल की राजधानी बता दीजिए क्या है। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर है भंडारू दत्तारे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 2020 फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का लोगो कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ हमारे भारत में। भारत में कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये है भाई आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।